हेलो वेलकम टू विप्रमाइन चैनल आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास टेन ऑफ रियल नंबर चैप्टर द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन फॉर सम इंटीजर एम ओके सो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वी आर गोइंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ यूक्लिस डिविजन लीमा और यूक्लिस डिविजन एल्गोरिदम अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन डिविजन लीमा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रियल नंबर चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको उसके वीडियोज़ मिल जाएंगे ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर सो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं लेट लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी का वैल्यू हम ले लेते हैं थ्री बिकॉज हमको जो रिप्रजेंट करना है दैट इज़ द स्क्र ऑफ इस थ्री एम और थ्री एम प्लस वन दैट इज़ मल्टीपल ऑफ थ्री और थ्री एम प्लस वन या थ्री के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा तो मैं बी का वैल्यू जो डिवाइजर हम लेते हैं दैट इज़ लेट इट बी थ्री यहाँ पर हम लेंगे तो अगर बी का वैल्यू थ्री है तो uh, जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी लेस देन थ्री और इट विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज बाई यूक्लिस डिविजन लिमा एनी नमो कैन बी एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर सो अब ए जो है ए कैन बी इक्वल्स टू अगर हमने बी का वैल्यू थ्री लिया तो इट कैन बी थ्री क्यू प्लस आर आर का वैल्यू क्या होगा अब आर का वैल्यू या तो ज़ीरो होगा और आर कैन बी वन और आर कैन बी इक्वल्स टू टू हाँ ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू होगा सो इट विल बी थ्री क्यू प्लस ज़ीरो या तो वो नंबर थ्री क्यू होगा या तो वो नंबर थ्री क्यू प्लस वन होगा या तो वो नंबर थ्री क्यू प्लस टू होगा और और मतलब अगर जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ सिक्स तो अगर सिक्स की बात करें तो इट इज़ थ्री इंटू टू रिमाइंडर क्या होगा ज़ीरो हाँ uh, अगर मैं सेवन की बात करूँ तो इट विल बी थ्री इंटू टू प्लस वन हाँ अगर मैं एट की बात करूँ सो इट इज़ थ्री इंटू टू प्लस टू यहाँ पर अगर नाइन की बात करो तो थ्री इंटू थ्री प्लस जीरो हो जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो तो ये क्या हो गया इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ थ्री क्यू हाँ रिमाइंडर जीरो है थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में दिस इज़ थ्री क्यू प्लस जीरो दैट इज़ थ्री क्यू के फॉर्मेट में अगर इन टेन लेंगे तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन हो जाएगा अगर एलेवन की बात करें तो थ्री इंटू थ्री प्लस टू हो जाएगा ट्वेल्व की बात करें तो थ्री इंटू फोर प्लस जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हर एक नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप ले लीजिए तो या तो वो थ्री क्यू के फॉर्मेट में होगा रिमाइंडर जीरो होगा या तो थ्री क्यू प्लस वन थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में होगा आपको थ्री क्यू प्लस थ्री के फॉर्मेट में नहीं आएगा अंडरस्टूड तो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा ओके okay, कोई भी आप नंबर ले लीजिए सो दैट इज इट कैन बी थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू जैसे यहाँ क्यू का वैल्यू टू है क्यू क्यू Q का वैल्यू थ्री हो गया फिर Q का वैल्यू फोर होगा ऐसे फाइव होगा वन थाउजेंड होगा कुछ भी होगा वो सो बट इट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन थ्री क्यू प्लस टू ये तो हो गया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये फॉर्मेट में होगा अब हमको बोल रहा था उसका स्क्वायर जो होगा वो नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो ये फॉर्मेट थ्री एम और थ्री एम प्लस वन ओके तो अगर आ, हमने बोल दिया है कि अगर सारे नंबर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर आइदर इट विल बी इन दिस फॉर्मेट और इन दिस फॉर्मेट और इन दिस फॉर्मेट ओके तो अगर आ, वो नंबर जो ए है वो थ्री क्यू के फॉर्मेट में है तो इसका स्क्वायर क्या होगा अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो इट विल बी थ्री क्यू द होल स्क्वायेर हो जाएगा सो इट विल बी नाइन क्यू स्क्वायेर होगा क्या होगा ये नाइन क्यू स्क्वायेर तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायेर लिख सकता हूँ नाइन क्यू स्क्र का मतलब क्या होगा थ्री इंटू थ्री नाइन क्यू स्क्वायेर हो गया सो कैन आई राइट इट थ्री एम थ्री एम यहाँ पर थ्री इंटू समथिंग है अब ये जो वैल्यू है उसको मैं एम कंसिडर करता हूँ तो वेर एम इज नथिंग बट थ्री क्यू स्क्वायर अंडरस्टूड मतलब वो थ्री इंटू एम यहाँ पर एम का वैल्यू क्या है थ्री स्क्वायर थ्री क्यू स्क्वायर अंडरस्टूड तो अगर वो नंबर ये फॉर्मेट में है दैट इज थ्री क्यू के फॉर्मेट में तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा थ्री एम के फॉर्मेट में होगा जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर सिक्स जो है वो कौन से फॉर्मेट में थ्री क्यू के फॉर्मेट में तो अगर इसका स्क्वायर लो सिक्स का स्क्वायर क्या होता है थर्टी सिक्स होता है क्या मैं थर्टी सिक्स को थ्री इंटू ट्वेल्व लिख सकता हूँ सो दैट इज थ्री एम क्या हुआ थ्री एम हुआ सो थ्री इंटू एम का वैल्यू यहाँ ट्वेल्व है तो इट इज थ्री इंटू समथिंग है अंडरस्टूड अगर मैं वही बात करूँ जैसे नाइन नाइन भी कौन से फॉर्मेट में है थ्री क्यू के फॉर्मेट में दैट इज थ्री इंटू थ्री रिमाइंडर यहाँ जीरो तो नाइन का स्क्वायर क्या होता है इट्स एटी वन तो क्या मैं एटी वन को लिख सकता हूँ थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन बिकॉज थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन इज एटी वन तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको थ्री एम यहाँ पर एम का वैल्यू ट्वेंटी सेवन है अंडरस्टूड तो कोई भी नंबर जो थ्री क्यू के फॉर्मेट में होगा जो प्योर मल्टीपल ऑफ थ्री होगा जैसे नाइन हो गया ट्वेल्व uh, हो गया ये सारे नंबर्स का अगर मैं uh, स्क्वायर लूँगा तो हमेशा उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ थ्री इंटू जो भी वैल्यू आएगा वो हाँ जहाँ यहाँ पर m का वैल्यू जैसे ट्वेल्व था यहाँ m का वैल्यू ट्वेंटी सेवन ऐसे कोई भी वैल्यू रहा बट इट विल बी इन दिस फॉर्मेट अंडरस्टेंड ना अब ये तो हो गया या तो ये टाइप के सारे नंबर्स होंगे जो मतलब ऐसे नंबर्स अब दूसरे अब ये या तो ये नंबर ये टाइप के नंबर्स होंगे थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में होंगे ये तीन फॉर्मेट के होंगे या तो थ्री क्यू के फॉर्मेट में होंगे या तो थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में तो हमने देखा थ्री क्यू के फॉर्मेट में होंगे तो वो थ्री एम के फॉर्मेट में उसका स्क्वायर होगा ओके okay, अब अगर ये थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में है तो अब इसका स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो ये क्या हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन द होल स्क्वायर तो अब यहाँ पर मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी सो टू इं टू थ्री क्यू इन वन प्लस वन स्क्वायर सो so, ये क्या हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स क्यू इंटू वन दैट इज सिक्स क्यू होगा वन स्क्वायर इज वन नाउ अब यहाँ देखिए ये दोनों जो टर्म है इन दोनों में थ्री कॉमन है तो अगर मैं थ्री कॉमन ले लेता ले तो, तो क्या बचेगा इधर थ्री क्यू स्क्वायर बचेगा थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन क्यू स्क्वायेयर हुआ यहाँ पर क्या बचेगा टू क्यू प्लस वन हमने ये दोनों टर्म में से थ्री कॉमन लिया तो क्या मैं इसको अभी लिख सकता हूँ थ्री अब थ्री इंटू ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है उसको मैं एम कंसिडर कर लेता हूँ लेट इट बी एम प्लस वन सो यहाँ पर एम क्या है थ्री क्यू स्क्वेर प्लस टू क्यू ना अब क्या आ गया थ्री इंटू एम थ्री इंटू सम वैल्यू प्लस वन के फॉर्मेट में होगा अब जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था तो सेवन जो कौन से फॉर्मेट में थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में है थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में है ना तो अभी उसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो सेवन का स्क्वायर क्या होता है फोटी नाइन होता है क्या होता है फोर्टी नाइन अब फोर्टी नाइन इज़ थ्री इंटू सिक्सटीन प्लस वन होता है कि नहीं थ्री इंटू सिक्सटीन इज़ फोर्टी एट प्लस वन इसका मतलब यह हो थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में अब वही अब अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें जैसे टेन टेन इज ऑल्सो इन द फॉर्मेट ऑफ थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में तो टेन का स्क्वायर क्या होता है हंड्रेड टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड तो हंड्रेड को क्या मैं लिख सकता हूँ थ्री इंटू थर्टी थ्री प्लस वन बिकॉज थ्री इंटू थर्टी थ्री इज़ नाइन्टी नाइन प्लस वन तो ये हो गया थ्री क्यू प्लस वन यहाँ एम सॉरी यहाँ मैं एम ले लेता हूँ तो यहाँ एम का वैल्यू क्या है थर्टी थ्री यहाँ एम का वैल्यू क्या था सिक्सटीन uh, तो जो भी नंबर थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में होगा कौन सा थ्री क्यू प्लस वन जैसे यहाँ सेवन हो गया टेन हो गया फिर उसके बाद थर्टीन ले ले तो ये सारे नंबर्स का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमेशा वो स्क्वायर जो होगा उसको हम ये फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज़ थ्री इंटू समथिंग वैल्यू दैट इज़ वो थ्री का मल्टीपल होगा ये पार्ट प्लस उसमें वन कर देंगे तो वो उसका स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा अंडरस्टूड तो अगर ये नंबर्स होगा थ्री क्यू तो उसका स्क्वायर जो होगा थ्री एम के फॉर्मेट में और अगर थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में तो उसका स्क्वायर थ्री एम प्लस वन होगा अब देखते हैं थर्ड टाइप का नंबर हमने देखा वो तीन टाइप का नंबर हो सकता है या तो थ्री क्यू के फॉर्मेट में होगा या तो थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में होगा या तो थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में तो टाइप थ्री जो है दैट इज थ्री क्यू प्लस टू के अगर फॉर्मेट में है तो अभी इसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ए इज दिस तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड ओके सो अगेन ए प्लस बी द होल स्क्वायर सो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी सो टू इंटू थ्री क्यू इंटू टू प्लस बी स्क्वायर तो टू स्क्वायर हो गया ना यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज़ नाइन क्यू स्क्वायेर प्लस टू इंटू थ्री सिक्स इंटू टू दैट इज़ ट्वेल्व क्यू प्लस ये क्या हो गया फोर दैट इज़ फोर ओके अब यहाँ ध्यान दीजिए अब यहाँ पर अगर देखेंगे uh, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ नाइन क्यू स्क्वायेर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस फोर को क्या मैं लिख सकता हूँ थ्री प्लस वन लिख सकता हूँ थ्री प्लस वन इज़ नथिंग बट फोर अब अगर इधर देखेंगे तो ये तीनों टर्म में क्या कॉमन है थ्री कॉमन है तो, तो मैं थ्री बाहर ले लिया तो इधर क्या बचा थ्री क्यू स्क्वायेयर प्लस फोर क्यू प्लस थ्री बाहर करते इधर वन एंड प्लस वन क्योंकि हमने ये तीन टर्म में से थ्री कॉमन लिया तो अब थ्री इन ये पूरा ब्रैकेट थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो थ्री इसको मैं क्या ले लूँ एम यहाँ एम का वैल्यू क्या होगा थ्री क्यू स्क्र प्लस फोर क्यू प्लस वन तो प्लस ये क्या हो गया वन यहाँ एम का वैल्यू क्या है एम इज़ थ्री क्यू स्क्वायेर प्लस फोर क्यू प्लस वन अगेन अगर वो नंबर कौन से फॉर्मेट का होगा थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में होगा तो उसका स्क्वायर भी कौन से फॉर्मेट में आ रहा है थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में आ रहा है जो इसके लिए आया था जैसे कि एग्जाम्पल एट एट इज़ वॉट थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में तो एट का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटी फोर एट का स्क्वा सिक्सटी फोर तो Uh, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ थ्री इंटू ट्वेंटी वन प्लस वन थ्री इंटू ट्वेंटी वन प्लस वन सो थ्री इंटू ट्वेंटी वन क्या होता है सिक्सटी थ्री होता है प्लस वन दैट इज़ सिक्सटी फोर तो ये क्या आ गया दिस इज़ नथिंग बट थ्री एम ट्वेंटी वन को हम एज एम लेते प्लस वन के फॉर्मेट में आएगा सो इट इज थ्री एम प्लस वन वैसे सेम अगर आप इलेवन uh, का करेंगे तो इलेवन का स्क्वायर भी वैसे करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट में आएगा दैट इज़ थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में आएगा अंडरस्टूड बिकॉज लेवन इज़ थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में तो इसका मतलब क्या हुआ हमने देखा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को या तो वो थ्री क्यू के फॉर्मेट में होगा या तो थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में होगा या तो थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में होगा ये होगा तो हमने देखा कि अगर वो वो सारे नंबर जो है अगर वो थ्री क्यू के फॉर्मेट वाले जो नंबर्स हैं उनका अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो मुझे स्क्वायर आ रहा है थ्री एम के फॉर्मेट में आ रहा है अगर वो नंबर्स जो है जैसे कि सेवन टाइप के नंबर्स सेवन हो गया टेन uh, हो गया दैट इज़ थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में तो उनका अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो अगेन आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग थ्री एम प्लस वन मतलब थ्री इंटू समथिंग प्लस वन के फॉर्मेट में आ रहा है और अगर वो नंबर कौन से फॉर्मेट में है थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में जैसे कि यहाँ पर हमने देखा एट हो गया जैसे एलेवन हो गया सो दे आर थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में तो इनका स्क्वायर लेंगे तो अगेन वी आर गेटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ थ्री इन टू सम प्लस वन दैट इज थ्री एम प्लस वन के फॉर्म ले अंडरस्टूड सो होप आपको समझ में आ गया होगा तो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ आपको डिटेल में आ, कोई नोट्स में आपको मिल जाएगा कि स्टेटमेंट क्या लिखना है बाई यू प्लिस डिविजन लीमा एंड एवरी थिंग तो आप वो लिख देना मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया नाउ विल सी द नेक्स्ट वन शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीज इज ऑफ द फॉर्म नाइन एम नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट ओके अब हमको बोला है कि क्यूब ओके सो यहाँ पर अगेन हम क्या बोलते हैं लेट लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज़ इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं थ्री ओके अब यहाँ पर जैसे थ्री एम थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में हमको स्क्वायर को प्रूफ करना था तो मैंने थ्री लिया था बी का वैल्यू थ्री लिया था बट यहाँ तो आप बोलोगे कि नाइन एम नाइन एम प्लस वन ऐसा है तो नाइन लेना चाहिए यस यू कैन टेक नाइन बट नाइन अगर आप लेंगे तो आपको नाइन नाइन एम नाइन क्यू प्लस वन नाइन क्यू प्लस टू नाइन क्यू प्लस थ्री तो बहुत सारे वैल्यूज़ हो जाएंगे तो वो सबके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा तो हम बी का वैल्यू थ्री ले सकते हैं बिकॉज सारे नंबर्स जो नाइन से डिवाइड होते हैं सारे नंबर जो नाइन से डिवाइड होते हैं वो थ्री से भी डिवाइड होगा क्या होगा थ्री से भी डिवाइड होगा तो वो नंबर्स को मैं ऐसा थ्री का मल्टीपल के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अंडरस्टूड इसलिए हमने बी का वैल्यू क्या लिया थ्री लिया अब बी का वैल्यू नाइन भी लेंगे तो भी चलेगा बट बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा तो इसलिए हमने देखा कि नाइन की जितने भी वैल्यूज़ हैं वो जो नाइन से डिवाइड होते हैं वो थ्री से भी डिवाइड होते हैं तो इसलिए हमने बी का वैल्यू थ्री ले लिया ओके okay. सो so नाउ अगर बी का वैल्यू थ्री है तो अगेन वी नो दैट रिमाइंडर विल बी लेस देन थ्री और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो दैट इज़ आर कैन बी इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू जीरो होगा या तो आर का वैल्यू वन होगा या तो आर का वैल्यू टू होगा सो बाई यू प्लिस डिविजन लेमा एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर तो ए कैन बी ए कैन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थ्री क्यू प्लस आर का वैल्यू जीरो है या तो वो ज़ीरो होगा या तो ए थ्री क्यू प्लस वन होगा और इट कैन बी एज इक्स टू थ्री क्यू प्लस टू होगा अंडरस्टूड ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ये पैटर्न ओके नाव अब जो नंबर्स कौन से फॉर्मेट में है थ्री क्यू के फॉर्मेट में तो अगर मैं इसका क्यूब लेता हूँ तो ऐसे टाइप के नंबर्स जैसे सिक्स हो गया नाइन हो गया ट्वेल्व हो गया ये सारे नंबर्स क्या है थ्री क्यू के फॉर्मेट में तो इनका अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड तो ये क्या जाएगा थ्री क्यूब ओके सो ये कितना हो जाएगा सो so क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब ओके सो अब ट्वेंटी सेवन को क्या मैं लिख सकता हूँ नाइन इंटू थ्री क्यू क्यूब नाइन इंटू थ्री क्यू क्यूब सो ये क्या हो जाएगा नाइन इसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ एम तो ये क्या हो गया इट इज़ नाइन एम क्या हो जाएगा नाइन एम तो एम इधर क्या कंसिडर हमने किया थ्री क्यू क्यू अंडरस्टूड अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं थ्री का ही क्यूब छोटा सा नंबर अगर मैं थ्री का क्यूब लेता हूँ तो थ्री का क्यूब क्या होता है ट्वेंटी सेवन होता है और थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन तो नाइन इंटू थ्री लिख सकता हूँ मैं और नाइन इंटू थ्री थ्री को मैंने एम कंसिडर तो नाइन इंटू मल्टीपल मतलब नाइन इंटू समथिंग है हाँ वैसे हम सिक्स का क्यूब ले लें नाइन का क्यूब ले लें ट्वेल्व का क्यूब ले लें तो कोई भी नंबर आप लेंगे तो सबका क्यूब जो ये ना जो नंबर्स ये फॉर्मेट में होगा थ्री क्यू के फॉर्मेट में वो हमेशा नाइन इंटू समथिंग में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर्स को अंडरस्टूड तो ये हो गया नाइन है ना विल टेक अनदर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ए कैन बी थ्री क्यू प्लस वन फॉर्मेट में क्या है थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में तो अगर इसका मैं क्यूब लेता हूँ तो ए क्यूब इज थ्री प्लस वन द होल क्यूब तो अब क्या होता है व्हाट इज़ ए क्यूब प्लस बी द होल क्यूब तो क्या होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी सो थ्री ए स्क्वायर बी बी वन है देन थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब तो यहाँ पर वन क्यूब हो जाएगा सो so, अब यहाँ पर क्या आ गया सो दिस इज ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हाँ ये फॉर्मूला या तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी वो फॉर्मूला भी है ओके okay, सो so अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब हो जाएगा प्लस नाउ और थ्री और यहाँ पर थ्री क्यू स्क्वायेर है तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा ये हो गया नाइन तो थ्री इंटू नाइन इस ट्वेंटी सेवन और क्यू स्क्र इंटू वन तो ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वायेर होगा देन uh, प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन क्यू और ये वन स्क्वायर इज वन सो ये हो जाएगा नाइन क्यू प्लस वन हो गया ना अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये टर्म ये टर्म और ये टर्म ये सारे टर्म्स में हम नाइन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर नाइन इंटू थ्री तो थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस नाइन इधर नाइन बाहर आ गया तो क्यू प्लस क्या आ गया वन आ गया सो इट इज नाइन अब ये टर्म्स को मैं क्या ले लेता हूँ ऑल दिसम कंसिडर एज एम प्लस वन तो इसका मतलब यहाँ पर एम क्या है थ्री क्यू थ्री क्यू क्यूब प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओके सो अगर ये नंबर जो भी नंबर है थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में है तो उसका क्यूब क्या होगा नाइन एम प्लस वन के फॉर्मेट में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे छोटे वैल्यूज़ की बात अगर मैं फ़ोर का ही क्यूब बोलूँ तो फोर का क्यूब क्या होता है फोर का क्यूब इज़ सिक्सटी फोर क्या होता है सिक्सटी फोर तो फोर का क्यूब और फोर जो है वो कौन से फॉर्मेट में थ्री इंटू वन प्लस वन के फॉर्मेट दैट इज़ थ्री क्यूब प्लस वन के फॉर्मेट में ना जैसे थ्री हो गया सेवन हो गया देन टेन uh, हो गया ये सारे नंबर्स क्या है दे आर इन द फॉर्मेट ऑफ थ्री क्यूब प्लस वन तो अगर मैं फ़ोर क्यू की बात करूँ तो फोर क्यूब इज़ सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर को क्या मैं लिख सकता हूँ नाइन इंटू सेवन प्लस वन अगर नाइन इंटू सेवन ये सिक्सटी थ्री प्लस वन तो ये कौन से फॉर्मेट में नाइन एम प्लस वन के फॉर्मेट में हुआ कि नहीं अंडरस्टूड सो so अगर मैं टेन का क्यूब ले लूँ तो टेन का क्यूब क्या होता है वन थाउजेंड एंड वन थाउजेंड को क्या मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नाइन uh, ये नाइन इंटू ये नाइन वन वन प्लस प्लस वन नाइन इं टू वन 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 तो ये कितना हो गया नाइन 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 प्लस वन के फॉर्मेट ऐसा हो गया नाइन 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 प्लस वन तो वन थाउजेंड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ दिस इज नाइन एम प्लस एम नाइन एम प्लस वन सॉरी ये क्या हो गया नाइन एम प्लस वन तो यहाँ पर क्या हुआ नाइन इं टू वन 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 प्लस वन तो ये आ गया नाइन एम प्लस वन ये भी कौन से फॉर्मेट में है टेन जो है दैट इज़ थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में है ना तो कोई भी नंबर आप ले लो जो थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में होगा तो उसका क्यूब हमेशा क्या होगा नाइन एम प्लस वन के फॉर्मेट में होगा अंडरस्टूड तो ये तो हो गया दैट इज़ और नाइन नाइन एम प्लस वन के फॉर्मेट अब हम देखेंगे दूसरा दैट इज़ या तो वो नंबर ये फॉर्मेट में होगा या तो ये होगा और लास्ट क्या होगा या तो वो नंबर थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में होगा क्या होगा थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में तो अब अगर मैं बात करूँ उसका क्यूब लू तो ए क्यूब इज थ्री क्यू क्यू टू द होल क्यूब तो ये क्या हो जाएगा अगेन ए क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर दैट इज थ्री क्यू स्क्वायेर इंटू बी प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू इंटू टू स्क्वायेर दैट इज थ्री ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब तो अब क्या हो जाएगा ये दिस uh, इज uh, ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब प्लस टू सॉरी दिस इज थ्री नाउ थ्री का स्क्वायर इज नाइन तो नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन और इंटू टू तो ये हो जाएगा फिफ्टी फोर कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन और यहाँ टू का स्क्वायर होगा सो नाइन इंटू फोर दैट इज़ थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स क्यू हो जाएगा प्लस एट टू का क्यूब क्या हो गया एट हो गया ना अब अगर आप देखेंगे ये तीन जो टर्म है इसमें क्या कॉमन है सब में नाइन कॉमन मैं ले सकता हूँ तो नाइन कॉमन अगर मैंने लिया तो यहाँ क्या बचेगा नाइन इंटू थ्री थ्री क्यूब हो गया सो नाइन इंटू सिक्स तो फिफ्टी फोर क्यूज ये हो गया तो नाइन इंटू सिक्स फिफ्टी फोर क्यू स्क्वेर होता है प्लस नाइन इंटू फोर तो यहाँ पर फोर क्यू हो जाएगा प्लस एट ओके सो नाउ नाइन अब ये टर्म को हम क्या ले लेंगे एम सो दिस इज़ नाइन इंटू समथिंग तो इसको हमने एम कंसिडर कर लिया प्लस एट तो ये हो जाएगा नाइन एम प्लस एट के फॉर्मेट में अंडरस्टूड तो जो भी नंबर थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड नाइन एम प्लस एट अंडरस्टूड अब जैसे कि फाइव का क्यूब अगर हम लेते हैं फाइव का क्यूब क्या होता है वन ट्वेंटी फाइव और फाइव क्यूब क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ थ्री क्यूब प्लस टू के फॉर्मेट बिकॉज थ्री इंटू वन प्लस टू फॉर्मेट में ना फाइव इज थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में तो इसका क्यूब कितना होता है वन ट्वेंटी फाइव क्या वन ट्वेंटी फाइव को हम रिप्रेजेंट uh, कर सकते हैं नाइन इंटू हंड्रेड है, सॉरी थर्टीन प्लस प्लस क्या हो जाएगा एट बिकॉज नाइन इंटू थर्टीन इज हंड्रेड एंड सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवनटीन प्लस एट वन ट्वेंटी फाइव हो गया सो इट इज़ नाइन एम तो ये हो जाएगा नाइन एम प्लस एट के फॉर्मेट में आ गया हाँ तो फाइव का क्यूब क्या है वन ट्वेंटी फाइव एंड इट कैन बी रिप्रेजेंट नाइन इंटू थर्टीन प्लस एट तो अब जो भी नंबर्स ये फॉर्मेट में होगा थ्री क्यू प्लस टू अब जैसे कि यहाँ पर थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में और कौन सा है एट इट इज़ एट देन वी हैव लेवन हाँ वी हैव फोटीन तो जो भी नंबर्स ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स विच आर इन द फॉर्मेट ऑफ थ्री क्यू प्लस टू तो उनका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उनका क्यूब जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नाइन एम प्लस एट के फॉर्मेंट मतलब नाइन इंटू समथिंग प्लस एट अंडरस्टूड सो होप आपको समझ में आया दोनों सब मैंने बहुत स्लोली समझाया हुआ ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो मैं नॉर्मली स्पीड में मैं सिखाता भी नहीं हूँ क्योंकि तो आपका एक टाइम सिर्फ आ, आप जब वीडियो देखो शायद वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लगे बट आगे जाके वापस प्रॉब्लम नहीं होगा सो इट्स बेटर कि आप एक ही टाइम पे ज़्यादा टाइम दीजिए उसको समझिए उसका हर एक चीज कॉन्सेप्ट समझिए हर एक स्टेप uh, समझिए तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा आप ऑटोमेटिकली वो सारे सम्स आपको uh, ये हो जाएंगे पता हो जाएगा कि क्या करना है बट अगर आप बहुत घाई घाई में करेंगे आप बोलेंगे सर फाइव मिनट्स या टेन मिनट्स में इसे खा दो तो कोई मतलब नहीं है दैट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आपको थोड़ा मोटा समझ में आएगा आपने लिख दिया या बाय हार्ट करके काफ़ी बच्चे में देखता हो कि मैथ्स को भी बाय हार्ट करके लिख देते हैं ऑफ नो यूज तो बेटर आप एक ही बार उसको हर एक सम को टाइम दीजिए उसका कॉन्सेप्ट समझिए उसके एग्जाम्पल्स लेके उसको समझिए तो आपको उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर समझेगा तो उसके बेस पे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे आपको पता भी चलेगा कौन से स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं बट अगर आपको फील ही नहीं है वो क्वेश्चन का फील नहीं है फिर मतलब क्या हो रहा है अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है तो कोई मतलब ही नहीं बनता आप आ, याद रहेगा कुछ चीज़ें छोड़ा मोटा आप लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता सो होप यू हैव अंडरस्टूड अगर आपको स्टिल कुछ भी डाउट है यहाँ पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड प्लीज़ अगर uh, आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए भी कि आपको समझ में आया यस आई हैव अंडरस्टूड और अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट करके आपका डाउट जो है वो बता दीजिए सो आई वॉन्ट अ फीडबैक सो प्लीज़ हर एक वीडियो पे आप अपना फ़ीडबैक देते जाइए So we'll meet in the next session. Thank you.